अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी एकदम टेस्टी और ज़बरदस्त मसाला वेज पुलाव रेसिपी। ये मसाला वेज पुलाव रेसिपी है, बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त बनकर रेडी होती। ये एक नॉन स्टिक पैन ले लेंगे, यानी जो भी है बर्तन ले ले सकते हैं आप लोग। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। इसमें चंद खड़े मसाले, शाहजीरा, लौंग, इलायची और चकला तेज पत्ता है ये। अब उसके साथ ही 5 से 6 काली मिर्च के बॉल्स ऐड कर देंगे। इन सब खड़े मसालों को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई होने देंगे। इस बेस पर 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, ये इस तरह से स्लाइस में कट कर ली मैं। अब इसको हल्का सा फ्राई होने देंगे, यानी कलर चेंज हुए तक फ्राई करते जाना है। देखिए हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा प्याज में। इस बेस पर 2 टीस्पून अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई होते ही 2 से 3 मिनट में फ्राई हो गया। इस गैस पर टमाटर ऐड कर देंगे। ये टोटल 400 ग्राम टमाटर है, इसको अच्छे से बारीक से चॉप कर ली मैं। अब इसको फ्राई कर लेंगे। अब क्या करेंगे, लीड लगा देंगे, यानी थोड़े से सॉफ्ट हो जाना है टमाटर। अब देखेंगे 5 मिनट्स के बाद अच्छे से सॉफ्ट हो गए टमाटर भी। इस तरह से ही होना है सॉफ्ट एकदम। इस बेस पर क्या करेंगे, नमक अपन नहीं ऐड करे थे इसलिए देखकर ऐड कीजिए। 1.5 टीस्पून नमक ऐड करी मैं, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून ऐड करेंगे। अब उसके साथ ही धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। टोटल 3 या 2 टेबल टीस्पून धनिया पाउडर है ये। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, पूरे मसाले अच्छे से मिल जाना है, पूरा मिक्स कर लेंगे। टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए, देखिए इस तरह से ही सॉफ्ट होना है। इस बेस पर क्या करेंगे, 3 मीडियम साइज़ के आलू है ये, इसको इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। कट करके इसमें ऐड कर देना है। टमाटर और आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको खूब भूनेंगे, ऑयल सेपरेट हुए तक भूनते जाना है 4 से 5 मिनट के बीच में। इस तरह से ही भूनते भूनते ऑयल सेपरेट हो गया। अब क्या करेंगे, 1 से 2 कप पानी ऐड कर देंगे। देखिए मैं 1 कप पानी ऐड करी, अभी थोड़ा सा कम दिख रहा, मिक्स करने के बाद और थोड़ा सा ऐड करके कवर कर देंगे। अब क्या है बोले तो टमाटर और आलू अच्छे से गल जाते। इसमें मटर ऐड कर देंगे, 200 ग्राम मटर है ये, अच्छे से वॉश करके ऐड करेंगे। अच्छे से वॉश कर ली मैं, वॉश होने के बाद ही इसमें ऐड करेंगे। अब इसको भी गलने के लिए छोड़ देंगे, कवर करके मीडियम फ्लेम पर। आलू और मटर 70% तक ही गलाना है अपने को, ज़्यादा नहीं गलाएंगे आलू को भी। देखिए ऑयल सेपरेट अच्छे से हो गया, इस तरह से ही 70% तक गलाना है। इस बेस पर पूरा हरा मसाला ऐड कर देंगे, यानी हरा धनिया और पुदीना करी लीव्स है ये, इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल थोड़े थोड़े ऐड करेंगे और बाद में थोड़े ऐड करेंगे लास्ट में दम देते जब। अब इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है, हरे मसाला पूरा डालने के बाद। अब इसमें जो चावल रहता उसकी क्वांटिटी देखकर पानी ऐड करेंगे, यानी 1 kg चावल है ये। इस बेस पर 1.5 लीटर पानी ले ली मैं, टोटल 1.5 लीटर पानी है ये। अब इसको पानी ऐड करने के बाद कवर कर देंगे, यानी बॉईल होने देंगे। देखिए अच्छे से बॉईल हो गया पानी। इस बेस पर ही टमाटर और आलू अच्छे से गल जाते, जो 70% गलाए थे अपन। अब ये देखिए 1 किलो राइस ले ली मैं चावल। इस बेस पर आप लोग बासमती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं नॉर्मल चावल ही ली। अब इसको मिक्स कर लेंगे। पानी देखकर ऐड कीजिए, चावल जितने हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करना है। ज़्यादा बोल तो बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, चावल से थोड़ा सा ज़्यादा। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और ये वेज मसाला ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। उसके साथ ही ये 3 मीडियम साइज़ के नींबू का जूस निकाल ली थी मैं, ये भी इसमें ऐड कर देंगे।
अब इसमें जो मैं बताई थी आप लोग को हरा मसाला पूरा, अब ये बेस पर ऐड करेंगे, ये बेस पर ऐड कर देंगे हरे मसाले को। अब इसको मिक्स करते जाना है। अब इसको कवर करेंगे बॉईल आए तक। बॉईल अच्छे से बॉईल होने के बाद कवर करी थी मैं। अब इसमें नमक थोड़ा सा इस बेस पर चख सकते आप लोग, यानी टेस्ट कर सकते, थोड़ा सा कम दिखा मैं डाल दी। और देखिए पानी अच्छे से ड्राई हुए तक इस तरह से ही एक दो तीन बार मिक्स करेंगे। अब क्या करेंगे, बिल्कुल दम देने के लिए रेडी है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। एक 5 मिनट्स के लिए दम दे दी थी मैं अच्छे से। मसालेदार वेज पुलाव बनकर रेडी हो गया, बिल्कुल टेस्टी और ज़बरदस्त। दही के रायते के साथ खाइए, बहुत टेस्टी रहता। और कम इंग्रेडिएंट्स, कम मसालों में बनकर हेल्दी पुलाव बनकर रेडी हो गया। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।